हेलो फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा TIFR के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर मैं जो पॉइंट बताऊंगा उनके मैं कुछ के प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वो पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं और यहाँ से अब जो चीज़ें चलेंगी इस लेक्चर से 21 लेक्चर से जो चीज़ें आपकी चलेंगी लगभग लगभग बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि TIFR का भी एक महीने बाद एग्जाम है, आपने लोगों ने भरा होगा अगर फॉर्म, तो उसमें सारी चीज़ें आने मतलब लगभग लगभग आते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर तो मैं यहाँ पर पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, जैसा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमने बात की थी S of T की हम लोगों ने पहले 17 या 16 लेक्चर में बात कर ली थी आपसे। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है T सच दैट Vn ओवर F टू Vm ओवर F, Vn ओवर F टू Vm ओवर F एंड S सच दैट Vm ओवर F टू वी आर ओवर एफ। तो मेरे पास यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे पास यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक टी है एक एस है। और फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास रैंक ऑफ एस ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एस इंटरसेक्शन इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है मेरे पास रैंक ऑफ एस ऑफ टी। इसका क्वेश्चन तो शायद मिले आपको, बताऊंगा मैं आपको जब क्वेश्चन होगा, तो वैसे इसके क्वेश्चन बहुत कम है। रैंक ऑफ एस ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एस इंटरसेक्शन इमेज ऑफ टी। एंड सेकेंड पॉइंट है मेरे पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब असाइनमेंट डिस्कस होगा या शायद मैं बताऊं आपको क्वेश्चन, तो ये अभी तो शायद नहीं बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ये जो सेकंड पॉइंट अभी मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, रैंक ऑफ एस ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एस कॉमा रैंक ऑफ टी, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एस कॉमा रैंक ऑफ टी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी माइनस एम। देखिए हमें क्या करना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना है। क्रैक करने का मतलब यह है रैंक अच्छी लानी है, क्रैक करना ही कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्रैक करने से कुछ होगा भी नहीं, IIT जैम का अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हो तो कुछ नहीं होने वाला आपका। ओके, हमें क्या करना है, रैंक अच्छी लानी है। तो देखिए अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, रैंक ऑफ एस ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एस कॉमा रैंक ऑफ टी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी माइनस एम। ये एम क्या है सर, ये एम क्या है, एम जो दोनों में कॉमन हो, जो टी और एस में दोनों में जो कॉमन हो। एम मतलब समझ सकते हैं ना, इसकी मान लीजिए डायमेंशन एम है, इसकी एम है, इसकी डायमेंशन एन है, इसकी डायमेंशन आर है। ओके, तो यहां पर जो दोनों में कॉमन हो वो मेरे पास एम होगा। ओके, तो ये मेरे पास ये एम होगा, रैंक ऑफ एस ऑफ टी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ। अभी मैं एक हल्का सा यूज बताऊंगा इसको कि यूज कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। रैंक ऑफ एस ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एस कॉमा रैंक ऑफ टी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी माइनस एम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मैं हल्का सा यूज बताता हूं, जैसा कि मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, मुझे यहां पर कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए एम क्रॉस एन, मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है एंड मेरे पास क्या है, एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, बी मेरे पास मैट्रिक्स है आर क्रॉस एन, आर क्रॉस एम ये ले सकते हैं आप। ओके, एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन और एक मेरे पास सेकेंड मैट्रिक्स है बी आर क्रॉस एम। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए रैंक ऑफ बी ए क्या होगी, रैंक ऑफ बी ए क्या होगी, बी ए की रैंक क्या होगी, तो देखिए यही चीजें लगनी है, यही चीजें लगनी है। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, इनइक्वालिटी में बताओगे आप। ओके, तो मैंने यहां पर क्या बोला है कि ए मेरे पास कोई है मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है एंड बी मेरे पास मैट्रिक्स है आर क्रॉस एम की है, तो रैंक ऑफ बी ए फाइंड करना है या रैंक ऑफ ए बी फाइंड करना है, ये आपके पास टास्क होगा।
ओके ये जो चीजें हैं इससे देखिए ये रिलेट करना है हमको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमको। अच्छा एक चीज अब यहां से सीखना ही स्टार्ट करिए, एक चीज आगे मैं आगे लेक्चर जो होगा आपका वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का होगा तो वहां पर आप सीखेंगे। तो उससे पहले यहां पर मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं आपको कि कभी भी अगर मैट्रिक्स दिया गया हो, इस फॉर्म में दिया गया हो, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको ऐसे करने होंगे। कभी भी आपको मैट्रिक्स ऐसे गिवन हो ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो आप क्या करिए इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन में तोड़ेंगे तो आप करेंगे fn से fm, t such that fn से fm, मैट्रिक्स कोई भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे fn से जो बाद में होगा उसको पहले fn से fm। ये देखिए इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा क्योंकि ये पहले n था, डायमेंशन n थी, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है m क्रॉस n। ओके यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में तोड़ेंगे हम लोग, देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी जब क्वेश्चन देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप टीएफआर के भी क्वेश्चंस में देखेंगे ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो अच्छे से इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो आराम से बता दोगे आप, इसको लिखोगे आप एस सच दैट लाइक एफ एम से एफ आर, आप ऐसा लिखोगे यहां पर। अच्छा अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, रैंक ऑफ बी ए फाइंड करना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगा रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल टू, क्या करेंगे आप, मैंने क्या बोला है रैंक ऑफ एस ऑफ टी, सेम बात है यहां पर, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन है, हालांकि ये क्या है ये कंपोजिशन है, यहां पर तो ये कंपोजिशन है लेकिन हम यहां पर ये ऐसा यूज कर सकते हैं रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी कॉमा रैंक ऑफ ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एम, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, डायमेंशन जिसकी दोनों में कॉमन हो, देखिए वो हम करेंगे, क्या करेंगे देखिए रैंक ऑफ बी ए फाइंड करना है तो जो दोनों में कॉमन हो, कहने को मतलब वो हम यूज करेंगे। ओके अच्छा अब एक चीज हम यहां पर देखते हैं, ये मेरे पास एम क्रॉस एन है एंड आर क्रॉस एम है। ओके अगर मैं बी ए फाइंड करूंगा तो मेरे पास लास्ट में आएगा आर क्रॉस एन, यहां पर अगर मैं बी ए फाइंड करूंगा देख सकते हैं आप, हाँ ठीक है ये आप अगर बी ए फाइंड करूंगा बी आर क्रॉस एम है एंड ए मेरे पास क्या है एम क्रॉस एन है, तो ये देखिए एम एम मेरे पास क्या आएगा बी ए आर क्रॉस एन आएगा, बी ए क्या आएगा आर क्रॉस एन आएगा, बी ए क्या आएगा आर क्रॉस एन आएगा। ओके तो जो दोनों में कॉमन होगा वो हम यहां पर माइनस कर देंगे। अच्छा अभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखी, अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है, मैंने कॉमन तो बड़ी इजीली बोल दिया लेकिन किसी बच्चे ने क्या किया, उसने बोला सर मैंने ए 2x3 लिया और बी मैंने 3x2 लिया, ए मैंने 2x3 लिया और बी मैंने 3x2 लिया, अगर मुझे यहां पर अब अगर ए बी फाइंड करना है, रैंक ऑफ ए भी फाइंड करना है या रैंक ऑफ बी ए फाइंड करना होगा, तो फिर हम यहां पर एम क्या लेंगे, यहां पर हम लोग एम क्या लेंगे, आपने बोला है कॉमन, देखिए दोनों कॉमन आ रहे हैं इसमें, तो दोनों टू भी कॉमन आ रहे हैं, 3x3 भी कॉमन है, तो यहां पर क्या करेंगे अगर जब हम बी ए कर रहे होंगे, जब हम बी ए कर रहे होंगे यहां पर तो क्या आएगा मेरे पास बी ए यहां पर होगा मेरे पास 2x3, तो मेरे पास ये कॉमन हो जाएगा, मतलब एम की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो जब मैं बी ए करूंगा यहां पर तो क्या होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस 2, और जब हम ये तो यहां पर ये तो मिनिमम ऑफ वो तो सेम है, अगर मैं ए बी कर रहा हूंगा यहां पर ये तो मेरे पास मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी सेम है, जब यहां पर मैं ए बी करूंगा तो ए बी करूंगा तो ये देखिए ये अब कॉमन हो गया, मतलब क्योंकि मेरे पास ए बी जो बनेगी वो 2x2 मैट्रिक्स बनेगी, जब मैं बनाऊंगा तो ए बी जो अब मेरे पास बनेगी वो 2x2 मैट्रिक्स बनेगी, और यहां पर जब मैं बी ए बनाता तो मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स बनती, तो कॉमन क्या आता है मतलब हम ऐसा लेते 2 मेरे पास आता, पसंद में आ रही है, और यहां पर जब मैं रैंक ऑफ ए बी करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जो बीच का होगा 3 वो आ जाएगा, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस, क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, तो यहां पर आप देखिए ये चीज हम ऐसा करते हैं, तो ये ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, फॉर्मूला ये है और हम लोग यूज कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताया, इसका मैंने प्रूफ तो नहीं बताया है, आप देख सकते हैं बुक में मिल जाएगा आपको, हाफमैन कुछ मिल जाएगा, फ्रीडबर्ग में मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं, तो इसका प्रूफ तो नहीं बताया लेकिन हाँ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे प्रॉब्लम्स बनती हैं फ्रेंड। ओके अब मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, इफ इफ ए इज इफ ए इज
is square matrix, square matrix. मेरे पास A क्या है, square matrix है. Square matrix आप अच्छे से जानते हैं कैसी होती है, n cross n type की, like that A, such that क्या लिख के, A is square matrix, like A n cross n matrix है मेरे पास, square matrix है. Okay, अगर मेरे पास ये square matrix है with real entries, real entries मतलब उसकी जो entries हैं, उसकी जो entries हैं अंदर की, वो कैसी हैं, real हैं, तो हम क्या बोलेंगे, then rank of A is equals to rank of A transpose A is equals to rank of A A transpose is equals to rank of A transpose. ये सब क्या होगा, इक्वल होगा फ्रेंड. यहां पर मैंने क्या बताया है आपको कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लाइक ए एन कॉस एन मैट्रिक्स है मेरे पास, तो अगर उसकी रियल एंट्रीज हैं, देखिए अभी मैं अगर आपको उसकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देता तो ये चीज ट्रू नहीं होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं ऐसा. मैं दिखाऊंगा, एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगा आपको. ओके, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया आपको, अगर मेरे पास ए, ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, देखिए इस लेक्चर में जितने भी पॉइंट बता रहा हूं इनको आप एक लाइन में लिखिए और इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको. प्रॉब्लम्स से यूज होगा इनका प्रॉब्लम्स यूज है. ओके, तो मैंने क्या बताया है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, उसमें एंट्रीज कैसी हैं, रियल हैं, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज. ये क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे. अच्छा, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इनको इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, इसको मैं यहां पर प्रूफ करने की कोशिश करता हूं. देखिए प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रूफ करना है अगर मुझे, ओके मैं सबसे पहले लेट कर रहा हूं यहां पर, लेट वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए, वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए. ए क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स है, और मैंने एक वाई लिया जो उसके कर्नल में बिलोंग कर रहा है. अगर मैं बोलता हूं एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, टी मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है. अब देखिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखोगे आप, एफ एन से एफ एन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखोगे आप, एफ एन से एफ एन. ओके, तो यहां पर इसी तरह मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर मैं, मेरे पास अगर x बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ t में, तो आप क्या लिखते हो, दिस इंप्लाइज t ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, आप ये लिखते हो. ओके, यहां पर भी इसी तरह मैंने किया, y बिलोंग कर रहा है अगर कर्नल ऑफ a में, तो आप क्या लिखोगे, ए वाई इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू जीरो. तो ए वाई इज इक्वल टू जीरो मैंने किया यहां पर. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि ओके अब मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, ए ट्रांसपोज ए वाई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जीरो. ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ए. अब देखिए टी क्या होती है भाई, एक मैट्रिक्स ही तो होती है, मैंने बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो टी होती क्या है, वो एक मैट्रिक्स ही तो होती है. अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहां पर कि ये मैंने ऑपरेट किया, और टी जब मैट्रिक्स होती है मेरे पास, टी कोई ऑपरेटर होता है, तो जीरो वेक्टर कहां जाता है, हमेशा जीरो पे जाता है, अगर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हो तो. इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज क्या है, एक ऑपरेटर हो गया, और जीरो वेक्टर कहां जाएगा, जीरो पर ही मैप करेगा. इसका मतलब क्या है, ये भी जीरो ही आने वाला है. इसका मतलब ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज ए वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया. इसका मतलब क्या है, y कहां बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज a में. दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज a. कर्नल पहले y कहां बिलोंग कर रहा था, कर्नल ऑफ a में, अब यहां पर कहां बिलोंग करने लगा, a ट्रांसपोज a में. इसका मतलब यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं, कर्नल ऑफ a इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज a. ये बात क्लियर है आपको. देखिए एक चीज मैं बताने वाला हूं सबसे पहले यहां पर, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ओके, तो हाँ वो मैं आपको खैर बाद में बताऊंगा. ओके, अभी पहले ये चीज देखते हैं, पहले मैं यहां पर ये चीज बताता हूं आपको कि कर्नल ऑफ ए सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए. अब मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए सबसेट हो जाए कर्नल ऑफ ए का, तो दोनों की नलिटी सेम हो जाएगी, दोनों की नलिटी सेम हो जाएगी, और नलिटी सेम हुई तो रैंक भी सेम हो गई. अगर दोनों की नलिटी सेम हो गई तो रैंक भी सेम हो गई, क्योंकि मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी उसकी नलिटी रहेगी उसकी नलिटी इतनी भी रहेगी, तो नलिटी जितनी उसकी रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंक जितनी उसकी आएगी उसकी भी रैंक आएगी. तो बस यही करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर, मेरा टास्क क्या है, रैंक बराबर करना, रैंक इक्वल करना. तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, नलिटी के अकॉर्डिंग यहां पर पहुंच रहा हूं. ओके, अब मैं क्या करूंगा यहां पर, ए ट्रांसपोज कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए को सबसेट बनाऊंगा कर्नल ऑफ ए का. क्या करना होगा,
एक एलिमेंट पिक करना होगा, मैंने एक एलिमेंट पिक किया वाई डैश, लेट अब मैं यहां पर राइट टू लेफ्ट चल रहा हूं, मैंने एक एलिमेंट पिक किया वाई डैश बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए। अगर ए ट्रांसपोज ए के कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज ए वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या करना होगा कि वाई डैश बिलोंग करे ए में, मुझे क्या करना है कि वाई डैश जो है वो बिलोंग करे कर्नल ऑफ ए में, कर्नल ऑफ ए में वाई डैश जो है वो बिलोंग करे कर्नल ऑफ ए में। इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा ए वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। क्या समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि अब मुझे ये प्रूफ करना है ना, मुझे ये प्रूफ करना है कि y डैश बिलोंग करना चाहिए कर्नल ऑफ a में। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मुझे ए वाई डैश इज इक्वल टू जीरो ये प्रूफ करना है। ओके अब मुझे ए वाई डैश अगर लाना है, ए वाई डैश मुझे लाना है, अगर मैं यहां पर क्या कर सकता हूं फ्रेंड, यहां पर y डैश का ट्रांसपोज ऑपरेट कर दूं, y डैश का ट्रांसपोज ऑपरेट कर दूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑपरेट कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, या मतलब कहने का मतलब यह है ये एक एलिमेंट है ना ये, क्योंकि y क्या है एक एलिमेंट है, y क्या है एलिमेंट है एक, अगर देखा है मतलब उसका इस टाइप का एलिमेंट है अगर मैं बात करूं तो। ओके तो ये मेरे पास, हाँ अब मैंने y डैश देखिए, y डैश क्या है कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज a है, कर्नल ऑफ a ट्रांसपोज a है, तो आप देख सकते हो ये भी क्या होगी एक मैट्रिक्स होगी, एलिमेंट ही टाइप का है। ओके तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक y डैश ट्रांसपोज ऑपरेट कर रहा हूं दोनों तरफ, y डैश ट्रांसपोज a y डैश इज इक्वल्स टू y डैश ट्रांसपोज 0, ये तो जीरो आने वाला है, क्योंकि ये भी क्या होगा अपने आप में एक मैट्रिक्स है ना, ये भी क्या है अपने आप में एक मैट्रिक्स है। ओके तो ये भी मैट्रिक्स है, तो एक ऑपरेटर की तरफ बिहेव कर सकते हैं हम इसका, ओके बिहेव हो सकता है इसका। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ए बी ट्रांसपोज इसको क्या होता है मेरे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहां पर मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं कि लाइक ए वाई डैश ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए वाई डैश इज इक्वल टू जीरो आ गया ये मेरे पास, बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा अब आप देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग, देखिए समझिए इस चीज को, अगर मेरे पास ये x वेक्टर है, अगर मेरे पास यहां पर मैं एक x वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर किस टाइप का होता है आप जानते हैं, x अगर मैं कोई वेक्टर चूज कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn टाइप का होगा। एक वेक्टर हम लोग इसी फॉर्म में तो लिखते हैं ना हमेशा, वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा एक वेक्टर मैंने पिक किया है, अभी देखिए मैं कुछ बताने वाला हूं आपको, तो उसके पहले की कहानी बताने वाला हूं कि क्या होगा। ओके नहीं तो कुछ लोग तो देख के हो जाएगा ये क्या कर दिया सबने, ये क्यों कर दिया जबरदस्ती मतलब कर रहे हैं सारी चीजें, नहीं जबरदस्ती नहीं होगी, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn। अच्छा मैं बात करूं अगर x ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये लेट जाएगा, कहेगा हमें खड़ा मत करो हमें लिटा दो, तो ये क्या होगा लेट जाएगा x1 x2 एंड सो ऑन xn। ओके अब अगर मैं बात करता हूं x ट्रांसपोज x की अगर मैं बात करूंगा, ये कहानी बता क्यों रहा हूं अभी मैं लिंक करूंगा सारी चीजें, x ट्रांसपोज x की बात करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn, और ये मेरे पास हो जाएगा x1 x2 एंड सो ऑन xn। अब आप देखेंगे ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास क्या होगा आर कॉस सी होता है ना, तो इसको मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड इससे होगा, थर्ड इससे होगा और लास्ट होगा इससे होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn स्क्वायर। ओके जरा गौर से देखिए आप, ये मेरे पास इसको x कर लो, इसको भी x कर लो, ये x ही तो है, ए वाई डैश क्या है मैंने लेट कर लिया x है, तो मेरे पास क्या बन गया x ट्रांसपोज x बन गया, और ये इक्वल टू क्या है जीरो है, ये इक्वल टू क्या है जीरो है। अब देखिए इस चीज को रिलेट करिए इस चीज को आप, कि यहां पर ये क्या है मेरे पास x है मान लीजिए, तो x ट्रांसपोज ये ए वाई डैश x ही है, x ट्रांसपोज x क्या है मेरे पास जीरो है। ओके तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा जब आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अच्छा देखिए ये जीरो कब होगा, ये सारा एडिशन लगा हुआ है, सारा एडिशन लगा हुआ और ये सारे स्क्वायर टर्म है, सारे टर्म्स कैसे हैं स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जब ये इंडिविजुअली सारे जीरो होंगे तभी तो ये सारा जीरो होगा, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती इसके जीरो के, जब ये सारे जीरो होंगे तभी ये जीरो हो सकता है, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है फ्रेंड। तो ये आप समझ चुके होंगे कि भाई अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ए बी और सी तीनों को जीरो होना पड़ेगा तभी ये जीरो होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इनको नेगेटिव रखूंगा
तो पॉजिटिव बन जाने वाला है। ए और बी सी को अगर मैं नेगेटिव रखूंगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो तो कभी बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, ए बी सी मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या है, ये एक्स जो वेक्टर होगा मस्ट बी जीरो, जीरो ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स जो ये वेक्टर होगा मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या है कि ए वाई डैश जो होगा वो जीरो होगा। बस यही चीज बताना चाहता था मैं, यहां पर यही बताना चाहता था, बस एक लाइन की बात थी वो, कि मैं इसको दिस इंप्लाइज करके ऐसा लिख देता ए वाई डैश इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो उसके पीछे की कहानी मैंने बता दी, ये क्यों आया ऐसा ए वाई डैश, क्योंकि ये चीज प्रूफ करना था मुझे। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज वाई डैश बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए। वाई डैश कहां पर बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ ए में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए सबसेट हो गया कर्नल ऑफ ए का। दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए सबसेट हो गया कर्नल ऑफ ए का। तो अब देखिए दोनों को मिला के अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ये मेरे पास होगा कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ ए। और यहां पर अगर मैं नलिटी डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए की बात करूंगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए, कर्नल ऑफ ए, तो यहां पर ये मेरे पास डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए क्या होता है, नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए। यहां पर मेरे पास क्या होगा, नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या है, ए ट्रांसपोज ए करोगे तब पर भी एन कॉस एन की ही मैट्रिक्स बनेगी आपके पास, ए करोगे तब पर भी एन कॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी। तो जब दोनों की नलिटी सेम है तो रैंक भी सेम होगी, नलिटी सेम है तो रैंक भी सेम होगी। कैसे, आप रैंक नलिटी थ्योरम लगाइए, आप ये चीज आप थोड़ा समझ सकते हैं, इस चीज को आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। ओके, तो नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ओके, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये इक्वल कर दिया आप, ये रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये चीज आप देख सकते हैं इस चीज को। तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, देखिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं रियल एंट्रीज पर, अगर उसकी एंट्रीज रियल हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये मेरे पास ऐसा होगा, अगर नहीं है तो नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते, देखो बताता हूं मैं आपको। ओके, तो अगर मेरे पास ये रियल एंट्रीज हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी, अगर रियल एंट्रीज होगी तो आप डंके की चोट से कह सकते हो कि मेरे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। अच्छा देखिए, अब यहां पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स एंट्री कर दूं, ए इज इक्वल टू लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया 1 iota 0 0, मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ रहे होगे आप। अच्छा अगर मैं बात करता हूं ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेरे पास ये क्या आएगा 1 0 iota 0, सहमत हो आप इस चीज से, बिल्कुल सहमत हो। अच्छा अगर मैं बात करता हूं ए ट्रांसपोज ए की, अगर मैं बात करूं ए ट्रांसपोज ए, तो मेरे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ए 1 0 iota 0, और ये मेरे पास आएगा 1 iota 0 0, मल्टीप्लाई करना आता है आपको, 1 1 0 0 1 आएगा 0 0, ओके 1 iota 0 0, तो मेरे पास ये आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा 1 iota आ जाएगा, iota square minus 1 एंड 0, तो ये मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या आया, अगर मैं इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ इसकी रैंक कितनी आएगी, आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, देखिए मैं हमेशा पिवट बनाने की सोचता हूँ, हमेशा आप माइनस मन में यही रखा करें दिमाग में कि आप पिवट बनाने की सोचिए, यहाँ जीरो बनाने की सोचिए, रैंक करने के लिए बस वही चीज़ याद रखो, हमेशा एक ही चीज़ याद रखो यार, हमेशा आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और माइनस कर दोगे, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो बना लिया मैंने, आयोटा से माइनस बनाएगा फिर ये माइनस कर दोगे, ये जीरो आ जाएगा मेरे पास, रैंक कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। क्या किया आपने यहाँ पर, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, जीरो आया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 आ गया मेरे पास, और फिर माइनस 1 कर दिया तो मेरे पास प्लस 1 आ गया, जीरो आ गया। ओके, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके तो ये ए ट्रांसपोज ए की रैंक मेरे पास क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज की, रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूंगा, तो ये मेरे पास क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे 1 iota 0 0 and 1 iota 0 0, ये मेरे पास क्या होगा 1 iota square minus 1, ये 0 आएगा 1 iota square minus 1, ओके 0 0
जीरो 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 जीरो, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर रैंक जीरो आ गई इसकी, इसकी रैंक क्या आ गई, जीरो आ गई, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं होगी फ्रेंड। तो वहां पर मैंने क्या बताया थी, चारों कंडीशन ट्रू थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए डस नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये मेरे पास पॉइंट था। अच्छा, अब मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, एस कॉमा टी सच दैट वी ओवर एफ, वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास। एस और टी मेरे पास कैसी हैं, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है, उनकी कुछ डायमेंशन होगी, तो उसकी डायमेंशन है मेरे पास, डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ इज इक्वल टू एन, डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ इज इक्वल टू एन। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रैंक ऑफ टी जो होगी मेरे पास, रैंक ऑफ टी होगी, जो रैंक ऑफ टी होगी वो रैंक ऑफ अल्फा टी के इक्वल होगी। अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। मैं यहां पर जीरो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं एफ स्टार कर दे रहा हूं, अल्फा को मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जीरो कर दोगे तो फिर वो जीरो हो जाएगी, तो वो तो इक्वल नहीं आने की, वो इक्वल नहीं आने की। अगर आप जीरो ले रहे हो फील्ड का एलिमेंट और जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो आप, टी क्या है, मैट्रिक्स है, एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो वो एक जीरो मैट्रिक्स बन जा रही है, उसकी रैंक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहां पर टी क्या है, उसकी कुछ दो तीन चार कुछ भी रैंक होगी ना। ओके, तो यहां पर ये चीज इक्वल कब होगा, जब अल्फा बिलोंग करेगा एफ स्टार से, या मैं बोल सकता हूं यहां पर एफ माइनस जीरो, सिंगलटन जीरो, कि यहां पर मैंने जीरो को नहीं ऐड किया है। ओके, तो अल्फा टी के इक्वल होगी, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ अल्फा टी, मतलब फील्ड का कोई भी एलिमेंट आप ले आओ टी पे क्या कर दो, थ्रो कर दो आप उस पे, तो ये हमारे पास जो रैंक आएगी अल्फा टी की, वही रैंक होगी अल्फा टी की। ओके, अच्छा सेकंड पॉइंट है मेरे पास, सेकंड पॉइंट है रैंक ऑफ एस प्लस टी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ एस प्लस रैंक ऑफ टी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ एस माइनस रैंक ऑफ टी। तो इसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको फ्रेंड, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं इनको। देखिए काम कहां पर आते हैं, जब मैट्रिक्स गिवन होगी आपको, मैट्रिक्स कुछ गिवन होगी, ए और बी मैट्रिक्स गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, और मैट्रिक्स भी नहीं गिवन होगी आपको, बस ए मैट्रिक्स गिवन होगी एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स कुछ ऐसे गिवन होगी, फिर आपसे पूछेगा रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगा या रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, तब इनका काम है। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी अगर मैं मैट्रिक्स से यहां पर रिलेट करूंगा, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। ओके, तो यहां पर हाँ देखिए इसको जब आप प्रूफ करेंगे तो इसकी इसका काम आएगा, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है यहां पर, और इसका भी काम आता रहेगा, आप देखोगे इसका काम आएगा फ्रेंड। ओके, तो यहां पर मैंने दो पॉइंट बताए आपको जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जब असाइनमेंट में डिस्कस होंगे क्वेश्चंस तो इसमें मिलेंगे उसके, मैं यहां पर तो क्वेश्चन इसके नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जब असाइनमेंट में डिस्कस होंगे तो आपको क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे फ्रेंड। ओके, अब मैं यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मेरे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन, इसी तरह रैंक ऑफ ए की पावर 5 रैंक ऑफ ए की पावर 6 सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर मेरे पास ये है तो, ऑन रियल एंटीज, यहां पर भी रियल एंटीज है, मतलब फील्ड क्या है, रियल है, तब हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलती है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, वो कब होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसका सीधा सा फंडा आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स पे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स पे फंडा आ गया तो हम लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए,
और ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल होगा यहाँ पर, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर सिंपल से देख सकते हो आप, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ रैंक ऑफ ए की पावर फोर की, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, रैंक ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर, या लिख सकते हो आप इसको रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए ए ट्रांसपोज ए, तब ये आपको बन जाएगा इसी तरह रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए ए ट्रांसपोज ए। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसी तरह आप देख सकते हो यहां पर कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसी तरह हम आगे देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए की पावर फोर, रैंक ऑफ ए स्क्वायर, रैंक ऑफ ए क्यूब, ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे फ्रेंड, ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे, इनकी रैंक क्या होगी, सेम होगी ऑन रियल एंट्रीज, यहां पर रियल एंट्रीज की बात कर रहा हूं। ओके तो ये मैंने बताया आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ओके अब मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। तो यहां पर मैंने इस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स बताए आपको कि थोड़े से याद रखने हैं, इस पॉइंट इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं आपको। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इवन, या तो हमेशा क्या होगी, इवन होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, हमेशा इवन होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था आपको थोड़ा सा उसके, तो उसकी रैंक क्या होगी, हमेशा इवन होगी, या फिर क्या होगा, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। और ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सारी मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, इस चीज को प्रूफ करूंगा कि जीरो होगी या मेरे पास क्या होगी, प्योर इमेजिनरी होगी। ओके ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक हो गई। अच्छा अब मैं यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, तो यहां पर आप समझ में आ गए होंगे आपको कि हाँ यहां पर मैंने लगभग पॉइंट आपको बता दिए, अब मैं एक दो क्वेश्चंस आप, अब यहाँ पर इस लेक्चर में लास्ट पॉइंट है, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन है मेरे पास फ्रेंड, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी। ओके फर्स्ट है मेरे पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी स्क्वायर। ओके सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। ओके थर्ड ऑप्शन है मेरे पास रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ओके एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, और एक क्वेश्चन है मेरे पास फोर्थ नंबर, इफ ए एंड बी क्वेश्चन है मेरे पास। ओके इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी, अगर देखिए अगर मैं यहां पर केवल एम एन लिख देता, मतलब मैट्रिक्स लिख देता एम एन क्रॉस एन, तो अगर आपको कभी भी फील्ड नहीं गिवन हो, कभी भी वेक्टर स्पेस में फील्ड ना गिवन हो, तो आप फील्ड की जगह सी लेंगे हमेशा। क्या मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी फील्ड आपको गिवन ना हो तो आप फील्ड की जगह क्या लेंगे, हमेशा कॉम्प्लेक्स लेंगे। ओके एम एन ओवर सी एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूफ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू एन, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू एन। ओके अब यहां पर क्वेश्चन है, पहले ही देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये लगभग नेट वेट के क्वेश्चन में आते हैं, लगभग नेट मेट एफ आर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। अच्छा इनको कैसे देखना है, हमको कैसे देखना है, या तो प्रूफ होगा या तो डिस्कार्ड होगा, हमेशा डिस्कार्ड की सोचना है, पहले तो ये डिस्कार्ड की सोचना आप
आप जब एग्जाम में बैठे हो TIFR या कहीं भी, तो सोचना कि डिस्कार्ड कर सके इसको, और डिस्कार्ड के लिए हमेशा छोटी मैट्रिक्स उठाओ, हमेशा क्या करो काउंटर एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, काउंटर एग्जाम्पल हमेशा छोटी मैट्रिक्स से मिलेंगे। कैसे, आप क्या करो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ओके यहां पर सीधा ही ये तीनों डिस्कार्ड करने की सोचो, तो छोटे में सोचो हमेशा, ए को सोचो, ए को मतलब जितने भी जीरो बना सके पहले वो बनाया करो। मैंने ले लिया मान लीजिए 1000, ए को ये ले लिया, बी को मैंने एक ले लिया 0100। अच्छा सर ये सोच कैसे रहे हो आप, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, आपको भी ऐसे ही सोचना है, इन्हीं में मैट्रिक्स लो, हमेशा ऐसे ही मैट्रिक्स लो, काउंटर एग्जांपल के लिए ऐसी ही मैट्रिक्स बनाओ। अच्छा ए की रैंक कितनी है, एक है, बी की रैंक कितनी है, एक है, अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1000 एंड 1000। ओके अब आप देखें इन दोनों की रैंक सेम है, बिल्कुल सेम है, अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये भी 1000 ही आएगा, ओके ए स्क्वायर की भी मेरे पास 1 ही आएगी। लेकिन अगर मैं बी स्क्वायर करता हूं, अगर मैं यहां पर बी स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी 0100 एंड 0100, यहां पर मेरे पास क्या आएगा 0000, 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
करके ना मेरे पास 1 आ गई, क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो इसको लोग फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया। ओके, तो ये मेरे पास नहीं होगा। अच्छा, अगर सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं तो यहां पर मैं बता दूं आपको कि सेकेंड थर्ड भी नहीं होने वाला है, सेकेंड थर्ड भी काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो जाएगा और ये आपको ढूंढना है। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया है उसी तरह आपको वर्क करना है। मैंने आपको पहला बता दिया, सेकेंड और थर्ड आप खुद से ढूंढ सकते हो। तो आप छोटे में ही सोचिए, इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करिए, मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा काउंटर एग्जाम्पल, आपको इसमें मिल जाएगा फ्रेंड। ओके, तो यहां पर मैं इसको नहीं बता रहा हूं आपको। ओके, तो यहां पर देखते हैं, आप इसको प्रूफ करते हैं, आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा इसका काउंटर एग्जाम्पल। और इसी में ही आपको सोचना है, ऐसे ही सोचना है आपको। तो ये मैं आपको वर्क दे रहा हूं। ओके, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। हाँ, अब देखिए मैंने क्या बताया था, फील्ड अगर कभी भी गिवन ना हो तो हम लोग सी लेते हैं। यहां पर देखिए रैंक ऑफ ए बी 0 बता दिया इसने। अच्छा, रैंक ऑफ ए बी होता क्या है? रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन होता है मेरे पास मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी एंड कॉमन, जो भी n cos n है मेरे पास, तो ये मेरे पास n ही आ जाएगा। अच्छा, क्या बोला गया है, रैंक ऑफ ए बी इज 0, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सीधा 0 लिख दिया, 0 लेस देन रैंक ऑफ ए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रैंक ऑफ बी माइनस n, इसको उधर कर दिया मैंने, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू n, प्रूफ हो गया, सिंपल सा था बस उसी से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत सिंपल पॉइंट है, और फिर मैं इस लेक्चर इसको फिनिश करता हूँ यहाँ पर लेक्चर। ओके, लास्ट पॉइंट है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर ए ए ए ए ए ए सारी मेरे पास क्या है, ए ए ए सारे ए ए ए है। ओके, हाँ, अगर मेरे पास ए नॉन जीरो है, अगर मेरे पास नॉन जीरो है, ए मेरे पास नॉन जीरो है, तो मेरे पास इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ ए इज 1। अगर मेरे पास ए 0 है, इफ ए इज इक्वल टू 0, देन मेरे पास इसकी रैंक क्या होगी, 0 होगी। ये कैसे होगी आप समझ सकते हो इस चीज को, अगर मेरे पास सारे ए नॉन जीरो हैं, कहने का मतलब ये सारे ए नॉन जीरो हैं, तो आप क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे, इससे ये 0 हो जाएगा, इससे माइनस करोगे, थर्ड रो को माइनस करोगे 1 से, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, बस मेरे पास एक पीरियड बनेगा, तो मेरे पास रैंक 1 आ जाएगी। और यहाँ पर इसी तरह अगर सारे 0 ही हो गए सारे, तो मेरे पास फिर रैंक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बस यहाँ पर एक पॉइंट ये था, तो मैंने लगभग चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, और जब असाइनमेंट फ्यूचर में डिस्कस होगा तो क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे उस चीज़ के, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया उनके काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन होंगे और डिस्कस होंगे आपसे। तो मैं यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेकर, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि जैम में भी इंपॉर्टेंट है, नेट में भी इंपॉर्टेंट है, और ये TFR में भी क्वेश्चन आते हैं, NBHM में भी क्वेश्चन आते हैं उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं थोड़ा प्योर वाइज भी बताऊंगा, अप्लाइड वाइज भी बताऊंगा, तो देखेंगे। अप्लाइड वाइज मींस मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, सॉल्व करने लायक रहेंगी, उसको मैं मैट्रिक्स से सॉल्व करूंगा। और फिर जो प्योर वाइज मतलब ये है कि जो बस केवल मैट्रिक्स भी ना गिवन हो तब हमें फाइंड करना होता है, तो मैं बताऊंगा, तो ज्यादा तब बताऊंगा मैं आपको जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पर लेक्चर फिनिश करता हूँ फ्रेंड्स, थैंक्स।